राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। रामनिवास रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा से मुलाकात उन्होंने की है। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। विजयपुर में हार के बाद पहली बार बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां पर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बीडी शर्मा से मुलाकात हुई है। विजयपुर में हार के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं। दोनों के बीच बंद कमरे में तकरीबन 20 मिनट वार्तालाप हुई, यानी बातचीत हुई। बीडी शर्मा से मुलाकात के बाद रावत के सुर जरा बदले हैं। चुनाव में सभी ने मदद की, किसी से कोई शिकायत नहीं है। हार को लेकर रामनिवास रावत का दर्द छलका है, अब छलकेगा तो है ही। एक साल पहले तक कांग्रेस से चुनाव जीत कर आए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में रहे, मदद किया, वन मंत्री बनाए गए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। 1, 2, 3, 4 नाम आपको मैं गिना दूंगा। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ विजयपुर से, यहां से विधायकी भी चली गई और नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो दर्द तो छलकेगा ही। रामनिवास रावत ने बीजेपी नेताओं पर मदद नहीं करने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि सबसे मदद मिली है। अब उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, क्या कहा है जरा सुनिएगा गौर से। रामनिवास रावत विजयपुर में चुनाव हारने के बाद आज संगठन के पास पहुंचे और संगठन को उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट दी। अब संगठन ने उनसे क्या बातचीत की है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आप भोपाल पहुंचे हैं चुनाव के परिणाम आने के बाद, क्या बातचीत हुई आपकी, किन से मुलाकात हुई? मुलाकात माने अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, उस सौजन्य भेंट करने आए जी। क्या आपने विश्लेषण किया वहाँ के परिणामों का? विश्लेषण मैं कभी विश्लेषण नहीं करता, विश्लेषण करेगी तो पार्टी करेगी। आपने क्या देखा, आपने क्या रिपोर्ट दी है संगठन को, क्या कहा है? नहीं, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो आपने कुछ बताया तो होगा संगठन को, क्यों हारे हैं, क्या कारण है? हार की समीक्षा करना संगठन का काम। तो आपने कुछ कहा ना कि समिति बनाकर वहाँ भेजे? नहीं, आप जो समीक्षा करेंगे, कराने होगी तो भेज देंगे। नहीं तो क्या क्या डिमांड की कोई आपको, ये कमेटी बनाए नेताओं की? नहीं, समीक्षा कराई जानी चाहिए, समीक्षा हार की। और जो लोग चुनाव में नहीं आए प्रचार करने, सिंधिया जी और तमाम लोग, अब ये इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ यार। आप बोल रहे समय से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, समय और भाग्य बहुत बलवान होते हैं। जब समय साथ देता है तो सारे लोग साथ देने लगते हैं, और जब समय साथ नहीं देता तो परछाई भी साथ। आपकी भूमिका अगली क्या होगी? अगली भूमिका पार्टी जो भी दायित्व मुझे देगी मैं उसको पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के। मंत्री है अभी भी आप? नहीं, मैं रिजाइन भेज चुका हूँ, ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। तो रामनिवास रावत जी का कहना है कि वो रिजाइन भेज चुके, लेकिन उन्होंने एक मांग की है कि समिति भेजे पार्टी संगठन और इस बात का पता लगाए कि हार क्यों हुई है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24। विवेक पटिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, रामनिवास रावत के सुर जरा बदले बदले दिखाई दे रहे हैं 20 मिनट की बातचीत के बाद। देखिए, चुनाव में मिली हार के बाद रामनिवास रावत पहली बार भोपाल पहुंचे, बीजेपी संगठन के सामने वो पहुंचे और वीडी शर्मा के साथ उन्होंने लंबी बातचीत की है। करीब 25 मिनट बंद कमरे में दोनों के बीच बातचीत हुई है। हमने देखा था जब चुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद उनकी नाराज़गी थी, कुछ लोगों को लेकर, बीजेपी से जुड़े लोगों को लेकर उन्होंने नाराज़गी जताई थी। लेकिन बीडी शर्मा से मुलाकात के बाद रामनिवास रावत के सुर बदल गए, उन्होंने साफ बोलने से इनकार कर दिया इस मामले में कि वो कौन लोग थे जिन्होंने भीतरघात किया इस चुनाव में उनको, जिसके कारण हार मिली, जो उन्होंने पहले आरोप लगाए थे। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय आपका अच्छा है तो सब लोग साथ होते हैं और समय यदि अच्छा नहीं है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, इसके मायने निकाले जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सिंधिया इस चुनाव में प्रचार करने नहीं आए, उस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, उनके मन में टीस, उन्होंने कहा कि संगठन को हार की समीक्षा कराई जानी चाहिए, यहाँ तक कि टीम भेजकर इस बात का पता लगाया जाना चाहिए, विश्लेषण किया जाना चाहिए कि हार आखिर क्यों हुई है, इनके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। अगली भूमिका क्या होगी, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर वो बीजेपी संगठन उनको जो जिम्मेदारी देगा उसको कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। लेकिन एक तरह से रामनिवास रावत भले ही खुलकर नहीं बोले, लेकिन उन्होंने अपना दर्द बयां किया है,
उनका दर्द सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि परछाई भी साथ छोड़ देती है, ये एक बात में कई उनकी ये बात कई इशारे कर रही है। सही बात, इशारे तो कर रही है, जब इतनी ज्ञान की बातें निकलने लगे नेताओं से तो समझ जाना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत धन्यवाद विवेक पटैया इस जानकारी के लिए। चुके